नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे अमलतास से होने वाले फायदों के बारे में। जड़ी बूटियां मानव जाति को प्रकृति के द्वारा दी गई अनमोल नेमत हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है अमलतास। ये एक शक्तिशाली औषधि है और इसका कई प्रकार से चिकित्सा प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है। अमलतास के फूल और फली त्वचा संबंधित रोग और खास तौर पर पेट के रोगों को दूर करने में कारगर है। आइए जानते हैं कि अमलतास हमारे किस काम आता है। पेट के रोगों के लिए अमलतास बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। जिनको कब्ज की शिकायत है, वे अमलतास की फलियों को तोड़कर 15 से 20 ग्राम गूदा निकालकर उसमें 8 से 10 मुनक्का रात को भिगो दें। अब सुबह खाली पेट इसे मसलकर नियमित रूप से पिए। ऐसा करने से कब्ज के साथ साथ पेट संबंधित अन्य परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि 2 से 3 माह के नवजात शिशुओं को यदि कब्ज की शिकायत है, पेट में दर्द और सूजन है, उनके लिए अमलतास फायदेमंद हो सकता है। अमलतास के गूदे को पीसकर बच्चे की नाभि पर लेप करें, इससे जल्द ही फायदा मिल सकता है। यदि छोटे बच्चे को अफारा है तो अमलतास के गूदे में थोड़ी हींग मिलाकर नाभि पर लेप करें। ऐसा करने से अफारे में लाभ होने के साथ साथ पेट भी साफ होगा। जिनको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनके लिए अमलतास लाभकारी माना जाता है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम धनिया, 15 से 20 ग्राम अमलतास के गूदे को मिट्टी के बर्तन में 400 ग्राम पानी में रात को भिगो दें। सुबह उसे मसल कर पानी को निकाल कर खाली पेट नियमित रूप से पिए। इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस में आराम मिलेगा, साथ ही एसिडिटी, आंतों के घाव, सूजन और संक्रमण जैसी परेशानियों में भी लाभ मिल सकता है। जिनको पेट संबंधित परेशानी है और पाचन तंत्र ठीक नहीं है, वे अमलतास के फूलों को सुखाकर पाउडर बनाकर सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। इससे पेट के रोगों के साथ साथ पाचन तंत्र और गर्मी के कारण होने वाली परेशानियों में भी आराम मिलेगा। जिन व्यक्तियों को त्वचा संबंधित रोग है, जैसे सूजन, जलन और दर्द, उनके लिए अमलतास फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए अमलतास की पत्तियों को पीसकर छाछ में मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। दांत, खाज और खुजली होने पर अमलतास की फलियों के गूदे और नीम की पत्तियों को एक साथ पीसकर लेप तैयार कर लें और प्रभावित जगह पर लगाएं, लाभ मिलेगा। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसे ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।